राठौर जी, आज विधिवत रूप से आपने अपना ऑफिस भी यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है, पहली बार विधायक भी बने, काफी चुनौतियां रहने वाली है सरकार को भी, क्योंकि आर्थिक तंगी से गुजर रहा है प्रदेश। किस तरह से सरकार आगे बढ़ रही है और क्या कुछ मानते हैं, जो ये कार्यालय आज ओपनिंग हुई है, कार्यकर्ताओं के लिए भी इजी होगा, अप्रोचेबल होगा आप तक पहुंचने के लिए, समस्याएं बताने के लिए? जी बिल्कुल, क्योंकि काफी समय से बड़ी परेशानी आ रही थी हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं, क्योंकि कार्यालय था नहीं और यहाँ रिपेयर का काम चल रहा था। तो आज विधिवत रूप से हमने अपने हिंदू धर्म सनातन धर्म के मुताबिक यहाँ पूजा अर्चना के बाद आज यहाँ कार्यालय का शुभारंभ किया है। इससे एक तो हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं उनको समस्या नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ बैठकर मैं उनकी समस्याएं सुनूंगा और निवारण करने का पूरा प्रयास करूंगा। और प्रदेश में जो दूसरे स्थानों पे हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको भी आसानी रहेगी कि वो भी यहाँ आकर जो है मुझसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, और पार्टी को हम किस तरह से भविष्य में मजबूत करें और सरकार के काम में किस तरह से बेहतरी हो, उस बारे में भी निश्चित रूप से ये कार्यालय बहुत बड़ा योगदान देने वाला है। गारंटी जो कांग्रेस पार्टी ने दी है उसको लेकर थोड़ा इंतजार लंबा होता जा रहा है, अब लोग भी पूछने लगे हैं, खासतौर पर विपक्ष की तरफ से भी हमले हो रहे हैं कि इंतजार लंबा हो रहा है, और डी नोटिफाई जो कुछ दफ्तर किए गए हैं उसके खिलाफ भी बीजेपी आंदोलन भी कर रही है, आने वाले दिनों में भी राजभवन की तरफ जो है वो बीजेपी जाएगी, ज्ञापन देगी, किस तरह से देख रहे हैं इन सब चीज़ों को? देखिए, आपने दो प्रश्न पूछे हैं। पहला तो जहाँ तक गारंटी की बात है तो वो हमारी जो मैनिफेस्टो कमेटी थी, हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उन्होंने बैठ कर तय किया और जो गारंटियाँ दी हैं, और सरकार का ये दायित्व तो बनता है कि उन गारंटियों को पूरा करे, और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार इस दिशा में जो है पूरा प्रयास जो है कर रही है। और दूसरा, जो डी नोटिफाई जो किए गए हैं, कुछ संस्थान किए गए हैं, तो वो बिल्कुल मुझे लगता है कि राजनीति से प्रेरित था, क्योंकि चुनाव से चंद महीने पहले जो है नए संस्थान खोले गए, बजट का कोई प्रावधान उसमें था नहीं, लेकिन कई संस्थान ऐसे हैं कि जो जरूरी है। अब मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूँ, हमारे क्षेत्र में जो है बड़ा गांव और मतियाना में जो सब तहसील खुली थी वो भी डी नोटिफाई जो है की गई है, लेकिन वहाँ ज़रूरत है। तो हम चाहेंगे कि जो एक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत जो भी संस्थान हिमाचल में डी नोटिफाई किए गए हैं, अगर वो ज़रूरी है तो मेरी भी यह मांग रहेगी सरकार से कि उनको दोबारा से नोटिफाई करने की ज़रूरत है। केंद्र में लगातार कांग्रेस पार्टी जो है अदानी का जो मसला चला है उसको लेकर जांच की भी मांग कर रही है, और दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस पर इसको लेकर हमलावर भी है, और इसके अलावा राहुल गांधी की कुछ एक जो स्टेटमेंट्स हैं वो बाहर दूसरी कंट्री में आई है, जिसको लेकर बीजेपी कह रही है कि अपमान देश का हुआ है, साखी भारत की गिराई गई है, किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आप राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं? देखिए, जहाँ तक अडानी की बात है, अभी जो अनियमितताओं का मामला सामने आया है, जिस तरह से हमारे जो संस्थान है, हमारी जो LIC है वो घाटे में गई है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सरकार का दबाव था कि अडानी को जो है ऋण दिया गया। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा घोटाला है, और संसद के अंदर जो हमारे सांसद है उन्होंने मांग की, कांग्रेस पार्टी की मांग थी कि जो है इसकी जांच होनी चाहिए, जैसे पहले भी पूर्व में जो घोटाले हुए हैं उनके लिए जो है जांच हुई है, लेकिन ये सरकार जो है जांच से भाग रही है। और मुझे ये लगता है कि अगर पहले भी इस तरह के मामलों में जांच होती रही है, अब क्यों नहीं हो रही, इसलिए कि कहीं ना कहीं जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनका आशीर्वाद और समर्थन जो है अडानी के साथ है। तो जॉइंट पार्लियामेंट्री समिति की कमेटी की जो डिमांड है उसे जो है पूरा करना चाहिए, और कांग्रेस इस डिमांड को लेकर आगे बढ़ेगी। और अभी संसद का सत्र शुरू होने वाला है, जितने भी विपक्षी दल है वो इस मांग को लेकर जो है इस सत्र में भी आएंगे, और जो भी जरूरी हुआ, चाहे आंदोलन की बात है, वो भी जो है हम एक जिम्मेवार विपक्षी दल होने के नाते हम करेंगे। स्कूली वर्दी को बंद करने को लेकर भाजपा जो है आरोप लगा रही है कि करीब 8 लाख बच्चों को पहले फायदा मिलता था, मात्र 3,70,000 बच्चों को फायदा मिलेगा, और उसमें भी जो
सामान्य वर्ग के विद्यार्थी है उनको बाहर कर दिया गया है स्कूली वर्दी से, केवल 600 रुपए बाकी विद्यार्थियों को दिए गए हैं, कितना सही मानते हैं और स्कूली वर्दी